हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं रामेश्वरम, जो चारों धामों में से एक धाम है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है। और आप सभी जानते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है। इन 22 कुओं से स्नान करने के पीछे की क्या मान्यता है, वह मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। और आपको यह भी बताऊँगा कि जब आप इन 22 कुओं से स्नान करेंगे तो आपको किस तरह का आशीर्वाद मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में चारों धामों के दर्शन करने चाहिए। उन्हीं चारों धामों में से एक धाम रामेश्वरम जी में है, जहां पर श्री रामनाथ स्वामी जी का मंदिर है। और पवित्र ग्रंथ रामायण में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम लंका में विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने का फैसला किया, क्योंकि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और लंका का राजा रावण एक ब्राह्मण था। इस कारण पश्चाताप करना अधिक आवश्यक था। उन्होंने अपने भक्त हनुमान से हिमालय से लिंगम लाने के लिए अनुरोध किया ताकि वह प्रार्थना कर सकें। उनकी उत्सुकता को देखते हुए उनकी पत्नी देवी सीता ने भगवान राम की प्रार्थना की व्यवस्था के लिए रेत से शिवलिंग बनाने का फैसला किया। यही कारण है कि आप रामेश्वरम मंदिर में दो शिवलिंग देख सकते हैं। एक रामलिंगम है जिसे देवी सीता ने बनाया है और दूसरा भक्त हनुमान द्वारा लाया गया विश्वलिंगम है। और माना जाता है कि भगवान राम के तरकश में 22 तीर थे और इन 22 तीर के कारण ही मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थम हैं, जिनके पवित्र जल से स्नान करने पर भक्त को भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं इन 22 तीर्थम के बारे में। और इसमें पहला तीर्थम है महालक्ष्मी तीर्थम। मान्यता है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से देवी महालक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और आप धनवान बनते हैं। इसके बाद सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम और सरस्वती तीर्थम। माना जाता है कि मंदिर के गलियारे के अंदर दूसरे, तीसरे और चौथे तीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति की सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और वह बुरे श्राप से भी बच जाता है। कहा जाता है कि इन कुओं में स्नान करने से राजा काशीवर को अपने सभी श्रापों से मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद सेतु माधव तीर्थम, यह पांचवा तीर्थम मंदिर के तीसरे गलियारे में स्थित एक पवित्र सरोवर है। सुंदर कुमुदनियों से आच्छादित आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यहां पर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद गंधमादन तीर्थम, यह छठा तीर्थम मंदिर के गलियारे के अंदर सेतु माधव पेरुमल मंदिर के करीब स्थित है। भक्त आशीर्वाद लेने, धन प्राप्त करने और अपने बुरे कर्मों से खुद को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर स्नान करते हैं। इसके बाद कवच तीर्थम, मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित सातवां तीर्थम कवच तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थम में स्नान करने से मृत्यु के बाद नरक जाने से बचा जा सकता है। इसके बाद है गवय तीर्थम, मंदिर के गलियारे के अंदर स्थित आठवां तीर्थम गवय तीर्थम है। इस तीर्थम के पवित्र जल से स्नान करने से भक्त को कल्प वृक्ष के नीचे शरण मिलती है। कल्प वृक्ष एक इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष माना जाता है। इसके बाद है नल तीर्थम, मंदिर परिसर में 22 तीर्थमों में नल तीर्थम नौवां तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि नल तीर्थम में स्नान करने से आपको सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त करने और स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके बाद है नील तीर्थम, यह दसवां तीर्थम नील तीर्थम है। मान्यता है कि इस कुएं में स्नान करने से अग्नि योग का लाभ मिलता है। इसके बाद है संघु तीर्थम, मंदिर परिसर के अंदर 11वां तीर्थम संघु तीर्थम है और इसे चंकु तीर्थम भी कहा जाता है। यह तीर्थम आंतरिक गलियारे में स्थित है। इस तीर्थम में स्नान करने से आपको आवश्यकता के समय दूसरों के प्रति कृतज्ञ होने से पश्चाताप करने में मदद मिलेगी। इसके बाद है चक्र तीर्थम, यह 22 तीर्थमों में से 12वां तीर्थम चक्र तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थम के पानी में स्नान करने से आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद है ब्रह्मति विमोचन तीर्थम। इस तीर्थम का मानना है कि एक ब्रह्मति मतलब वह व्यक्ति
जिसने अपने वर्तमान या पिछले जन्मों में जाने या अनजाने में किसी गाय का वध किया हो तो वह इस कुएं के जल से स्नान करेगा तो उसके पाप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सूर्य तीर्थम और चंद्र तीर्थम, यह दोनों 14वें और 15वें तीर्थम मंदिर के भीतर गलियारे में हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थों में स्नान करने से आपको भूत, वर्तमान और भविष्यकाल का ज्ञान होगा। इसके बाद गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम और गया तीर्थम, ये 16वें, 17वें और 18वें तीर्थम हैं। यह भारत की प्रसिद्ध नदियों के नाम पर हैं। ये वे स्थान हैं जहां ज्ञान सुरुथी राजा ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद है शिव तीर्थम, यह मंदिर में 19वां तीर्थम है। इस तीर्थम की मान्यता है कि अगर आपने भगवान विष्णु और भगवान शिव के प्रति कभी अपशब्द कहे होंगे तो इस तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करने से आपको उन पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद है सत्यमृत तीर्थम, यह मंदिर में 20वां तीर्थम है। इस तीर्थ के पवित्र जल में स्नान करने से आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद है सर्व तीर्थम, यह मंदिर में स्थित 21वां तीर्थम है। ऐसा माना जाता है कि सर्व तीर्थम में स्नान करने से आपको सभी तीर्थों में स्नान करने के समान लाभ मिलता है। इसके बाद है कोड़ी तीर्थम, कोड़ी तीर्थम को सबसे पवित्र तीर्थम के रूप में जाना जाता है। मंदिर के गलियारे के अंदर 22 तीर्थमों में से यह अंतिम तीर्थम है। इस ऐतिहासिक तीर्थम को भगवान कृष्ण को उनके दुष्ट चाचा राजा कंस की हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं मंदिर के अंदर स्थित 22 तीर्थम जिनके पवित्र जल से स्नान करने से व्यक्ति के रोग दोष मिट जाते हैं और उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इनके अलावा मंदिर के बाहर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थम अग्नि तीर्थम है जो रामनाथ स्वामी मंदिर के करीब बंगाल की खाड़ी का शांत उथला पानी है। और इस तीर्थम की बहुत विशेष मान्यता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका में रावण को मारकर वापस लौटे थे तो वह इस स्थान पर आए थे। चूंकि लंका का राजा रावण एक ब्राह्मण था तो भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था। तो भगवान श्री राम ने भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कहा। तब भगवान शिव ने श्री राम जी से कहा कि आप अग्नि तीर्थम में स्नान कीजिए जिससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। यही कारण है कि पवित्र अग्नि तीर्थम में स्नान करने से भक्तों के पिछले पापों का प्रायश्चित होता है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।